हेलो एवरीवन, माय नेम इज अल्पाज मंसूरी। तो स्वागत है आपका एक और नई कमाल की न्यू वीडियो में। तो यार, यहाँ पर महिंद्रा ने जो अपनी ईवी कार है उसको लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है XUV400। तो भाई, यहाँ पर महिंद्रा काफी बढ़िया डिजाइन एंड इंटीरियर के साथ में अपनी महिंद्रा XUV400 ईवी को जो है मार्केट में रिवील कर चुका है। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है XUV400 के बारे में। तो भाई, यहाँ पर ओवरऑल पूरी गाड़ी का जो लुक है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है निकल कर आता है, जो कि काफी बढ़िया डिजाइन के साथ में यहाँ पर आया है। हालांकि ये बेस्ड है XUV300 पर, लेकिन यहाँ पर भी कुछ महिंद्रा ने चेंजेस करे हुए हैं। तो वहीं अगर हम बात करें इसके फ्रंट लुक के बारे में, तो फ्रंट में यहाँ पर कुछ इस तरीके का लुक हमें जो है देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड हमें देखने को मिल जाती है इसमें हेडलाइट विद DRL के साथ में। तो भाई, हेडलाइट की जो डिजाइन है वो काफी बढ़िया यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वहीं हम नीचे की साइड बात करें तो भाई, इसमें हमें कोई भी फॉग लैंप जो है नहीं देखने को मिलती है, और साथ में यहाँ पर हमें कॉपर फिनिश की जो डिजाइन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। भाई, यहाँ पर ग्रिल की जो डिजाइन है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें जो देखने को मिल जाती है, जो कि काफी मस्त लुक जो है इस गाड़ी को दे रही है। और साथ ही हमें मिल जाता है यहाँ पर महिंद्रा का न्यू लोगो, जो कि इस गाड़ी को और भी काफी प्रीमियम बना देता है। तो भाई, यहाँ पर फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक जो है निकल कर आता है, काफी बढ़िया जो लुक है वो यहाँ पर हमें सामने को देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल के मामले में, तो भाई यहाँ पर साइड से कुछ इस तरीके से जो है इस गाड़ी का लुक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं हमें मिल जाते हैं यहाँ पर 16 इंची के अलॉयज, जो कि काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ में यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर हमें चार्जिंग पोर्ट भी जो है देखने को मिल जाता है। तो भाई, यहाँ से हम अपनी कार को जो है चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके रियर व्यू के बारे में। तो भाई, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें जो बैक डिजाइन है वो देखने को मिलती है, जो इसकी टेल लाइट की जो डिजाइन है वो यहाँ पर काफी प्रीमियम लुक जो यहाँ पर पूरी गाड़ी को दे रही है। और बीच में हमें देखने को मिल जाता है महिंद्रा का न्यू लोगो, और यहाँ पर हमें जो है बैक में वाइपर भी देखने को मिल जाता है विद डिफोगर के साथ में। तो भाई, ओवरऑल जो लुक है पीछे से कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। काफी बढ़िया जो लुक है वो पूरी ही गाड़ी का हमें जो है काफी मस्त लुक जो है इस गाड़ी का हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, काफी बढ़िया जो इंटीरियर वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये काफी कुछ सेम हमें देखने को मिलेगा। तो भाई, तो स्टेयरिंग पे यहाँ पर हमें कंट्रोल माउंट जो है दिए गए हैं, और साथ ही यहाँ पर मीटर की जो लुक है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें जो है देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो भाई यहाँ पर जो है वही XUV300 वाली जो है डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप अपनी AC वगैरह जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको जो है डुअल AC कंट्रोल जो है देखने को मिल जाता है। आप अपने ड्राइवर एंड को पैसेंजर को अलग अलग टेम्परेचर के साथ में AC को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई, ये काफ़ी फीचर बढ़िया यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अपनी XUV400 में। तो भाई, ये फीचर हमें XUV300 में भी देखने को मिलता है, और ओवरऑल जो लुक है वो काफी बढ़िया यहाँ पर पूरी गाड़ी में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो इसका गियर शिफ्टर है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी एक प्रीमियम लुक यहाँ पर इस गाड़ी को दे रहा है। तो अब हम बात करें इसके सनरूफ की। जी हाँ दोस्तों, सनरूफ भी इसमें जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट आज के जमाने में हो गया है सनरूफ का गाड़ी में होना। तो कुछ इस तरीके से जो सनरूफ है वो हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो भाई, यहाँ पर जो बैटरी यूज करी गई है वो है यहाँ पर 39.4 किलोवाट की जो बैटरी है वो इसमें यूज करी गई है। वहीं अगर हम बात करें इसके रेंज के बारे में, तो भाई यहाँ पर 456 किलोमीटर की जो रेंज है वो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है, जो कि काफी बढ़िया रेंज कैपेसिटी के साथ में हमें जो है यहाँ पर रेंज देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके चार्जिंग के मामले में, तो भाई 0 to 80% सिर्फ आपको 50 मिनट के अंदर ही ये गाड़ी चार्ज करके देगी, बिकॉज 50 किलोवाट का DC चार्जर के साथ में यहाँ पर इसकी जो फास्ट चार्जिंग होने वाली है वो काफी बढ़िया एंड काफी जल्दी से हम अपनी गाड़ी को जो है चार्ज कर पाएंगे। और हम बात करें इसके प्राइस के मामले में, तो भाई यहाँ पर ऑफिशियल जो इसका प्राइस है वो लॉन्च नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेशन प्राइस जो है यहाँ पर इसका 17 से 20 लाख रुपए के अराउंड जो है एक शोरूम प्राइस यहाँ पर जो है इस गाड़ी का होने वाला है। और हम बात करें इसके लॉन्च के बारे में, तो भाई यहाँ पर जनवरी 2023 में ये गाड़ी जो है लॉन्च होने वाली है। तो भाई, अभी तो थोड़ा टाइम है इस गाड़ी को लॉन्च होने में, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च होती है तो भाई ईवी कार्स की दुनिया में ये धमाल मचाने वाली है, बिकॉज काफी बढ़िया रेंज के साथ में ये गाड़ी यहाँ पर जो है मार्केट में आने वाली है। तो यार, कमेंट करके बताइए आपका क्या ख्याल है इस महिंद्रा XUV400 के बारे में। तो यार, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।